सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। दिल से ज्यादा उपजाऊ जगह और कोई नहीं हो सकती। यह आप पर निर्भर करता है आप प्यार बोते हैं या नफरत। जिंदगी में सफलता कभी भी पक्की नहीं होती और असफलता कभी भी अंतिम नहीं होती, इसलिए आप अपनी कोशिश को तब तक जारी रखो जब तक आपकी जीत एक इतिहास ना बन जाए। भरोसा टूटने की आवाज भले ही नहीं होती लेकिन गुण जिंदगी भर सुनाई देती है। जब किसी इंसान पर से विश्वास टूट जाता है तो माफी का कोई मतलब नहीं रह जाता। आज का पंचांग 26 दिसंबर 2021 दिन रविवार, पौष मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि, रात्रि 8:08 तक रहेगी। इसके उपरांत अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। उत्तर फाल्गुनी नामक नक्षत्र सुबह 5:25 तक रहेगी। इसके उपरांत हस्त नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय शाम 4:25 से 5:44 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:06 से 12:48 तक रहेगा। आज चंद्रमा सिंह राशि पर सुबह 11:14 तक रहेगी। इसके उपरांत कन्या राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य धनु राशि पर रहेंगी। मीन राशि 26 दिसंबर 2021 दिन रविवार, आपका नेतृत्व कौशल और करिश्मा आपके आसपास के लोगों द्वारा नोटिस किया गया है जो आपको समाज और काम पर लोकप्रिय बना रहा है। कड़ी मेहनत करना जारी रखें और जल्दी पुरस्कार भी मिलेगा। आपके प्यार भरे जीवन में समस्याएं अधिक ध्यान और बातचीत द्वारा हल की जा सकती है। अतीत की व्यस्त गतिविधियों के बाद आज का दिन शांतिपूर्ण बीतेगा या शांति भरे क्षण आपके लिए फायदेमंद है। आज काम में शानदार प्रदर्शन करने के साथ साथ हर काम समय पर पूरा करेंगे। सब कुछ खोने में हमारी हार नहीं है बल्कि असली हार है उस उम्मीद को खोने में जिसके दम पर हम सब कुछ कर सकते हैं। आज दिन के पूर्वार्ध में आपको परिजनों से खरी खोटी सुनने को मिलेगी। आपका ध्यान भी इधर उधर की बातों में ज्यादा रहेगा। अपने कार्यों के प्रति इतने गंभीर नहीं रहेंगे जितने पराये झगड़ों में रुचि दिखाएंगे, लेकिन एक बार किसी कार्य से जुड़ने पर उसे गंभीरता से पूर्ण करके ही हटेंगे। आज के दिन धन लाभ की ज्यादा संभावना नहीं रहेगी, फिर भी आकस्मक होने पर कार्यों के प्रति रुचि और उत्साह बढ़ेगा। नौकरी पेशा बेहतर प्रदर्शन कर सम्मान के अधिकारी बनेंगे। अतिरिक्त आय बनाने के मौके भी मिलेंगे। मेहनत वाले होने के कारण टाल मटोल कर सकते हैं। सावधानियां, शाम के समय में घर का वर्चस्व बनाने के लिए छोटी मोटी खींचतान होगी, फिर भी वातावरण थोड़ी ठीक रहेगी। भविष्य में सुख दुख के लिए खर्च की योजना भी बन सकती है। आज नौकरी कर रहे जातकों को परेशानियां हो सकती है। आज आप अपने व्यवसाय के लिए कुछ योजनाएं बनाएंगे जिसमें आपको साझेदारी की आवश्यकता होगी। बड़ों से सलाह मशवरा कर लें। बात करते हैं लव लाइफ की। प्रेम जीवन या रोमांस में समस्याएं आने से आप सामाजिक सर्कल से कट ऑफ करके अकेले में समय बिताना चाहेंगे। सब कुछ भूलकर किसी समूह या संगठन का हिस्सा बनकर लोगों से घुले मिले खुद में नई स्फूर्ति महसूस करेंगे। बॉस या वरिष्ठ अधिकारी से संबंध बेहतर बन सकते हैं। कुछ गोपनीय बैठकें, विचार विमर्श या रोमांटिक रिश्ते अच्छा आपके कार्ड्स में है। आपके साथी का प्यार आपको हर संकट से मुक्ति दिलाएगा और आप आराम महसूस करेंगे। प्रेम के रंग को और भी गहरा करने के लिए अपनी बातचीत के कौशल का प्रयोग करें। आज अपनी सेहत को भी अनदेखा ना करें। बात करते हैं करियर की। आपकी प्रबंधकीय क्षमता यह दर्शाती है कि आप हर कार्य सोच समझ कर करते हैं। आपकी कड़ी मेहनत जल्द ही रंग लाएगी।
जिससे कार्यस्थल पर आपकी स्थिति और रैंक में बढ़ोतरी होगी। सरकार और संबंधी एजेंसियों व बड़े निगम भी आपके गुणों को पहचानते हुए आपसे कोई अनुबंध कर सकती हैं। पिछले दिनों की तुलना में आज का दिन शांत रहेगा। एक रोमांटिक गठबंधन की भी संभावना है। आज काम की जगह अधिक ध्यान दें, अपने परिवार के साथ समय बिताएं। परिवार में से किसी को स्वास्थ्य समस्या हो सकती है, इसके लिए चिकित्सक से मिलें। याद रखें, जीतना सब कुछ नहीं है बल्कि जीतने का प्रयास करना सब कुछ है। बात करते हैं सेहत की। सेहत वैसे तो ठीक ही रहेगी, लेकिन शरीर के अनदेखे आगे के लिए परेशानी ना पैदा करें, इसका ध्यान रखें। आज का उपाय, सूर्य देव को जल अर्पित करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।